दो वर्षों से अधिक संघर्ष के बाद नागपुरवासी कोविड पर जीत से महज एक कदम दूर है। मंगलवार को 5 संक्रमितों के स्वस्थ होने के साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या महज एक ही रह गई है। संबंधित मरीज नागपुर शहर का है जो कि होम आइसोलेशन में है। पिछले 6 दिनों से नागपुर जिले में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिला है। हर प्रकार की पाबंदियां हटाने के बाद भी संक्रमण का नहीं बढ़ना आम आदमी से लेकर प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए खुशी की बात है। अस्पतालों में कोविड वार्ड बंद हो चुके हैं। व्यापार, बाजार, कारोबार सामान्य स्तर पर पहुंच चुका है। हर धर्म संप्रदाय के लोग अपने अपने त्योहारों को भी खूब उत्साह से मना रहे हैं। फिर भी कोविड काल में जिन 10,338 मरीजों की जान गई, उनके दर्द के निशान वर्षों तक शहरवासियों के जहन में बने रहेंगे। 5,67,424 ने कोरोना पर जीत हासिल कर सामान्य जीवन जी रहे हैं। सितंबर 2020 में पहली लहर का पीक आया, उस दौरान सक्रिय मरीजों की संख्या 13,000 से अधिक पर जा पहुंची थी। वहीं अप्रैल 2021 में कोरोना का दूसरा पीक आया। पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर में 4 गुना अधिक सक्रिय मिले थे। इस दौरान सक्रिय मरीजों की संख्या 77,000 के करीब जा पहुंची थी। वहीं कोरोना की तीसरी लहर जनवरी 2022 में आई। इस दौरान जनवरी अंत में 22,831 सक्रिय मरीज थे, लेकिन जिस तेजी से तीसरी लहर में संक्रमित मिले उसी तेजी से स्वस्थ भी हुए। फरवरी अंत तक सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 300 पर जा पहुंची। मार्च में इसमें और कमी आई और सक्रिय घटकर 16 ही रह गए। वहीं 19 अप्रैल को महज एक ही पॉजिटिव रह गया। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।